मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले पवित्र प्रसाद को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। इस बीच आने वाली नवरात्रि में माँ भगवती के जो सिद्धपीठ हैं, जो शक्तिस्थल हैं, वहाँ पर प्रसाद चढ़ाने को लेकर कुछ अहम पहल हुई है। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के माँ ललिता देवी के शक्तिपीठ पे, और ललिता देवी शक्तिपीठ के मुख्य पुजारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। पराज जी, इस बार जो स्थितियाँ बन रही हैं प्रसाद को लेकर के, शुद्ध प्रसाद हो, क्या सब लोगों ने मीटिंग में निर्णय लिया है? कल मंदिर समिति के सदस्यगणों की मीटिंग थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि इस बार सूखा मेवा, नारियल, इलायची दाना, बतासा इत्यादि का ही भोग लगेगा, मिठाई का प्रसाद और लड्डू परिचित रहेगा। जो भी लाएगा बाहर लेकर के, बाहर से लेके चला जाए, अंदर भोग नहीं लगेगा। प्रसाद में, भोग में पवित्रता शुद्धता बनी रहे, इसीलिए ये मंदिर के सदस्यों ने निर्णय लिया है कि भोग में केवल सूखा मेवा फल ही लगेगा। क्या ऐसा भी कोई फैसला किया गया है कि मंदिर प्रबंधन इसके लिए व्यवस्था करेगा, बाहर से नहीं है प्रसाद आएगा? नहीं, अभी ये बात चल रही है, पर अभी निश्चित नहीं हुआ है कि मंदिर ही व्यवस्था करेगा। जो भक्त जहाँ से लाना चाहे वो लाए, लेकिन बस चढ़ने के लिए वही रहेगा जो मंदिर समिति अलाउ करेगा। लेकिन महाराज जी, बात तो वही हुई, अगर बाहर से ही प्रसाद जा रहा है तो भक्तों को तो जो प्रसाद जाएगा तो मिलावटी प्रसाद जाने की संभावना है। नहीं, प्रसाद में जो भोग लगेगा वो केवल सूखा मेवा, नारियल और इलायची दाना, इसी का भोग लगना है, और इसमें हमारी समझ से मिलावट की संभावना ना के बराबर है। तो भक्तों से क्या अपील करेंगे, माँ के भक्तों से? भक्तों से हम अपील करेंगे कि भगवती के नवरात्रि में या जो भी मंदिर है, जहाँ जिसका स्थान है, उसमें पवित्रता बनाए रखने के लिए या तो अपने घर में निर्माण करें, और ऐसे घी इत्यादि का जो घर में बन रहा हो, या घर का घी हो, गांव का घी हो, उसका इस्तेमाल करें, और नहीं तो सूखा मेवा फल यही उसी का भोग लगाएं, ताकि शुद्धता बनी रहे। एक बात और महाराज जी, माँ के जो मंदिर होते हैं उनके आसपास बहुत से लोगों की रोजी रोटी जुड़ी होती है प्रसाद से, तो उनकी रोजी रोटी पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, उसे लेकर क्या आपने बीच का रास्ता निकाला? ऐसा है, देखिए समय के अनुसार सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। कहते हैं संसार के बारे में कहा जाता है, संस्कृति के संसार है, जो सरकता रहता है, दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी सरकता रहता है, चलता रहता है, वो संसार है। समय समय अनुसार ऐसी बातें छिड़ी हुई हैं कि भोग में मिलावट की गई है, तो इसके अनुसार जो यहाँ से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी मंदिर प्रबंधन के आदेश के अनुसार या उसके निर्णय के अनुसार फल, इलायची दाना इत्यादि प्रसाद में रखें, माला रखें, उनकी रोजी रोटी चलती रहेगी, उन पर उस पर थोड़ी किसी को कोई आपत्ति है, जो जिसका रोजगार है वो करे, लेकिन समय अनुसार जिस चीज की आवश्यकता है, जो जरूरी है वो करें। बिल्कुल। तो माँ दुर्गा के जो शक्तिपीठ हैं, इस बार नवरात्रि में वहाँ पर ज्यादातर शक्तिपीठों में प्रसाद को लेकर यह नई व्यवस्था की जा रही है। प्रयागराज के ललिता देवी शक्तिपीठ में ये व्यवस्था, इसकी शुरुआत तरीके से कहा जाए तो होगी, जो मंदिर प्रबंधन का कहना है। आप देख सकते हैं ये मंदिर है माँ ललिता देवी का, क्योंकि इस समय विश्राम का समय है, इसलिए माँ के पट बंद हैं, और सारे जो यहाँ के स्टाफ भी हैं वो भी विश्राम कर रहे हैं। लेकिन ये जो नई व्यवस्था है वो शक्तिपीठों को लेकर एक नई पहल प्रयागराज से शुरू हुई है। दिनेश सिंह, टीवी 9 UP, प्रयागराज।